प्रदेश के नौजवानों को और बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश के विभिन्न कोणों से पधारे हुए किसान, दलित, मुसलमान और छत्तीस कौम के लोग जिन्होंने ऐतिहासिक रैली को आज सफल बनाया और जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक जाम लग गए, जालौर से लेकर बाड़मेर तक जाम लग गए, जैसलमेर बाड़मेर सड़कें जाम हो गई और ऐसा जनसैलाब उमड़ा है। 2018 के अंदर परिवर्तन निश्चित है और हम उससे पहले ये जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान की जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं। संपूर्ण कर्ज माफी हो, दिल्ली में धरना सेठों का अगर कर्जा माफ हो सकता है 3 लाख करोड़ का, तो राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का कर्जा माफ हो। दूसरी हमारी मांग है कि 4 लाख खाली पद भरे जाए और बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में किसान के बेटों को मिले। तीसरी, टोल मुक्त राजस्थान में मुफ्त टोल मिले, क्योंकि जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स हम नहीं देंगे। और शराब और माइनिंग से ही 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू सरकार कमाती है, तो गुजरात में प्राइवेट वाहनों को टोल मुक्त किया है। यह हमारी मांग है कि संपूर्ण टोल मुक्त हो राजस्थान के अंदर। एक हमारी मांग रहेगी कि मुफ्त बिजली मिले किसानों को पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक की तर्ज पर, और जो घरेलू उपभोक्ता है उनको भी बहुत ज़्यादा बिजली के बिल बढ़े हुए मिलते हैं। तो हम मांग करेंगे कि दिल्ली में सरकार ने जिस तरह आधी रेटें की, यहाँ भी आधी रेट हो और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सरकार लागू करे जिससे किसान की खेती लाभकारी हो। अमेरिका जापान के अंदर 100 रुपये खर्च करने में 200 रुपये मिलते हैं, तो हमारी सरकार से मांग रहेगी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करे, तभी जो 100 रुपये के 57 रुपये मिलते हैं, 43 रुपये का घाटा है, उसकी पूर्ति और किसान यह मजबूत हो। आज़ादी के 70 साल बाद आज किसान और किसान के बेटे आत्महत्याएं कर रहे हैं। अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। दोनों पार्टियों ने राजस्थान को पीछे धकेल दिया। रिफाइनरी के मामले में भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम दोनों पार्टियां कर रही है। 37,000 करोड़ का जो MOU 2013 में हुआ था उसको 6,000 करोड़ बड़ा और दिया, रोजगार तो दिए नहीं, उल्टा 43,000 करोड़ कर दिया और हिस्सेदारी भी 26% ही रही है स्टेट की। ज़्यादा हिस्सेदारी की बात करते थे लेकिन क्रेडिट नहीं ले जाए। पहले सोनिया गांधी पत्र लगा के सेम ही जगह नरेंद्र मोदी लगा रहा है, तो ये तो प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि एक बार जिसका शिलान्यास हो गया उसका दोबारा नहीं होता। सरकारें बदलती रहती है, आती रहती है, और जिस तरह भामाशाह कार्डों पर CM की फोटो ही लगा दी तो हर जगह मूर्ति और उसमें ही लगे हुए हैं, पूरा हमारा दलित किसान मुसलमान देश का परेशान है, प्रदेश का परेशान है। और अभी गुजरात के अंदर लोगों ने इनको बता दिया, प्रधानमंत्री को गली गली घूमना पड़ा। राजस्थान में परिवर्तन निश्चित है, 70 साल की व्यवस्था को राजस्थान का जवान बदलेगा और प्रदेश का जवान इस बार आज़ादी की लड़ाई के अंदर जिस तरह तांतिया टोपे और भगत सिंह ने भूमिका निभाई थी, उसी तरह प्रदेश का प्रत्येक जवान तांतिया टोपे और भगत सिंह की भूमिका के अंदर नजर आएगा। इन दोनों सरकारों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जो दबाने का प्रयास किया, पर्दा डाला है, हम उन सबकी पोल खोलेंगे और जनता सिंहासन पर कब्जा करेंगे।